हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे सेन एंड सेनियो? सब बढ़िया? ऑब्वियसली बढ़िया ही होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने आए हैं। इंजॉय करके पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आइटम। थोड़ी सी बेटा मेरी वॉइस ख़राब हो गई, ज़्यादा बर्फ़ी खा ली। दिवाली का त्यौहार था, अब दिवाली के त्यौहार पर बर्फियाँ मिलती हैं तो रहा नहीं जाता, खा लो, ठीक है ना? तो उसकी वजह से थोड़ा गला बैठ गया है, बट पूरी कोशिश करूँगा, चमक पूरी लेकर आऊँगा। एटम का चैप्टर ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपने पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं देखा होगा। बस आप पेशेंस के साथ पूरी क्लास को देखना, मजा आना है तो कहना, ठीक है बेटा? चल देख। तो एटम क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार आपके लिए स्लाइड लेकर आया हूँ। अब आपको ये स्लाइडें दिख रही हैं आपको इधर से, ठीक है? बहुत सारी स्लाइड हैं, ठीक है, लगभग 25-30 के आसपास स्लाइडें होंगी, जिसमें आपका पूरा एटम यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये एटम का वन शॉट है। अब ये स्लाइड या ये PDF आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी? तो हमारा जो चैनल है, यस, टेलीग्राम चैनल राहुल सुगंधी फिजिक्स, यहाँ पर जाकर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो एज इट इज मेरे से आप वार्तालाप भी कर सकते हैं 8109471083 पर। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बेटा? चलिए तो बिना देरी करते हुए एटम की शुरुआत करते हैं, एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देख, एटम क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट हमने देखा दुनिया में, इसको मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मटेरियल बोला जाता है, मैटर, ठीक है? अब हमारी सोच ये थी कि ये दुनिया की कोई भी जो चीज़ है या नेचर किस चीज़ से मिलकर बना है, तो रुचि रहती है हमारी कि ये मिलकर कैसे बना है, ठीक है ना? जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो बड़ी चीज़ों के पीछे छोटी चीज़ कौन सी है वो? तो हमने क्या किया, इसको तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ते गए, हो सकता है तेरी ज़िंदगी खत्म हो जाए तोड़ते, फिर भी तू इसको पूरा ना तोड़ पाए, सही बात कि नहीं? तो जब तोड़ते थक जाएगा तो और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएगा, तो उस समय तेरे को जो चीज़ मिलेगी उसका एक नाम सोचा गया 19वीं सदी में डाल्टन के द्वारा। इसको उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया बेटा मेरे? एटम नाम दिया, एटम। सो ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, इट्स कॉल्ड एटम। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने क्या दिया है? एटम दिया। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, इकलौता पार्टिकल होता है, ठीक है बेटा? अब तो पहले हमें यह पता था कि जो दुनिया की चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। लेकिन उस वक्त हमको ये नहीं पता था कि ये भाई साहब जो एटम है ये किसी और चीज से मिलकर बना हो सकता है, क्योंकि ये सबसे दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल हो गया था एटम उस समय। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, इनका नाम था जे.जे. थॉमसन, द ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो बाद में जाकर हमको ये पता चला कि जब इस एटम को भी हमने तोड़ा, डिवाइड किया, तो इसके अंदर भी हमको तीन तरह के पार्टिकल मिले। अभी आपको पूरी जर्नी में पता चलेगा कैसे वो मिले, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो आपको ये दिख रहा है आप ब्लू कलर का, इसको नाम दिया गया प्रोटॉन, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर जो रेड कलर का ये दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में, इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही आपका एटम बना होता है। और साथ ही ये देखा गया कि इस पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है भाई? तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, इन सब के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज हम ये समझना चाहते हैं कि चलो ये नेचर एटम से मिलकर बना है, तो कितने तरह के एटम होते होंगे? एक तरह का एटम होता है, दो तरह का एटम होता है। तो बाद में हमको पता चला कि एटम तो बहुत तरह के होते हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से एटम बहुत तरह के होते हैं? तो हम देखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। क्या निकलती है? लाइट। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो इस पर लाइट पड़ रही है और इसका कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। तो ये लाइट निकलती कैसे है और लाइट अलग अलग क्यों है, एक ही टाइप की क्यों नहीं, अलग अलग कलर क्यों आ रहा है उसमें? तो हम लोग उस समय ये सोचते थे कि एटम से ही नेचर मिलकर बना हुआ है, और हमको ये पता था कि लाइट निकलने की प्रोसेस क्या है, एक्साइटेशन से लाइट निकलती है। तो हम ये सोचते थे कि ये जो एटम्स हैं, क्या है बेटा? एटम्स हैं, इनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और उस इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ये जब ये एटम को एक्साइट किया जाता है तो ये वाइब्रेट होता है, और जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है तो उससे क्या निकलती है? लाइट निकलती है। ये हम लोगों को पता था, ठीक है? ओके 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 ओके। तो अगर ये मैं बात करूं सॉलिड की,
तो सॉलिड में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है बेटा, तो इसमें एटम काफी नजदीक नजदीक होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि लाइन निकल दी। चल ठीक है, अब मैं इसकी जगह गैस ले लूं, गैस के मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तो एक एटम से दूसरा एटम यहां पर है, तीसरा एटम यहां पर है। अब सोच इनके बीच में इतना ज्यादा लार्जेस्ट डिस्टेंस आ गया, और तेरे को कूलाम फोर्स पता है, ठीक है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब एटम इतना दूर हो गया तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्वाभाविक सी बात है कम हो गया होगा। अब जब हम इसको एक्साइटेड करते हैं तो ये जो एटम था पहले सॉलिड में, जब हमने इसको हिलाया, एक्साइटेड करने के लिए हिलाया, तो ये वाइब्रेट हुआ। कोई भी चीज वाइब्रेट कब होती है, उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो उसके पास इनर्सिया होना चाहिए, दूसरा उसके पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये वाला एटम इन दोनों को खींच के रख रहा है इस वाले को, इसकी वजह से इलास्टिसिटी है। दूसरा, जब ये ऊपर जाएगा तो खींचकर वापस कौन लेकर आया, इनर्सिया। तो ये दो चीजें हैं तो वाइब्रेट होगा, इनमें से एक भी चीज मिस हो जाएगी तो वाइब्रेट नहीं होगा। तो जब हम गैस की बात करते हैं तो बेटा गैस में एक एटम दूसरे एटम से काफी ज्यादा लार्जेस्ट डिस्टेंस पर अवेलेबल होता है। अब तू भाई इसको एक्साइट करेगा तो इसका इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है यार, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर इसका इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और तू इसको एक्साइट करेगा तो ये तो फड़फड़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं फड़फड़ाया, क्योंकि दूरी हो गया, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। फिर भी हम देखते हैं गैस में से भी लाइट निकलती है, तो इसका मतलब ये सोचा गया कि एटम से लाइट तो निकलती है, लेकिन 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 एटम की वजह से लाइट नहीं निकलती। अब वो जिस वजह से भी निकलती है, कितनी निकलेगी और कब निकलेगी, ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने बेटा, ठीक है, कुछ बात समझ में आई बेटा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देख हमने सोचा कि ये नेचर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसको एटम बोल दिया, ठीक है बेटा। अब एटम के अंदर ये सोच पाना उस समय कि एटम से भी छोटी चीज कोई और होती है, ये बहुत बड़ी बात थी, और उस बहुत बड़ी बात को यस जे जे थॉमसन ने सोचा। उन्होंने गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें कम प्रेशर करके जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है हाई वोल्टेज पर, तो कैथोड से कैथोड रे निकलती हैं जो एनोड पर जाके चमक पैदा करती हैं। उन कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, इनविजिबल जो रे निकली थी उनको क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। तो वहां से हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन के द्वारा दी गई थी, और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ऐसा है जो हर एटम में एक जैसा होता है, और उसका जो मास होता है वो उन्होंने निकाला। मास निकालने की कोई अलग कहानी है, तो मास निकालने का भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। तो वो मास जो निकाला इलेक्ट्रॉन का वो कितना था, 9.1 × 10⁻³¹ kg ससुरा, इतना मास था किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और उसके चार्ज के बारे में भी उन्होंने बताया, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये चार्ज होता है। साथ ही साथ उन्होंने एक बढ़िया चीज भी हमको बताई, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला जब रेशियो दिया तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रेशियो था ये इन्होंने दिया था वो कितना था, 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलाम पर kg, ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो जे.जे. थॉमसन ने हमको बताई। अब वो ज्यादा उछलने लगे तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, मॉडल भी तैयार कर देते हैं कि एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। मैं अब यार बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको मॉडल का, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल सोचा, क्या मॉडल सोचा, वाटरमेलन मॉडल सोचा, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं जे.जे. थॉमसन का। उसमें क्या होता है कि उसका मॉडल तरबूज की तरह होता है, किसकी तरह होता है, तरबूज। तरबूज में जो रेड जोन होता है, रेड कलर का जो दिख रहा है, वो रेड जोन आप मानिए कि वहां पर जितने भी पॉजिटिव हैं वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब फैले होंगे। रेड जोन में पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव नाम की। पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में क्यों बोल रहे हैं भाई ऐसा, क्योंकि हमको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और एटम पर नेट चार्ज जीरो होता है, तो इसका मतलब उस चार्ज को जीरो बनाने के लिए कोई दूसरा पार्टिकल होना चाहिए एटम के अंदर। तो वो पार्टिकल का नाम सोचा गया, बाद में आपको पता चलेगा न्यूक्लियस के चैप्टर में, ठीक है। तो वो प्रोटॉन की बात कर रहे थे, तो वो प्रोटॉन उसके अंदर होता है जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को जीरो बनाता है, बट वो प्रोटॉन रहता किस तरह से, उस चीज को इन्होंने अपने मॉडल के थ्रू बताया कि जो रेड जोन है इस तरबूज का, वहां पर सब कौन फैला हुआ है, यस पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है,
और जो काले काले बीजा होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये बीजा, ये कौन होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी और बस बहुत सारी चीजें इससे एक्सप्लेन भी नहीं हो पा रही थी, तो ये मॉडल उनका क्या हो गया, फेल हो गया, जिसमें इसको बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो उनके एक और स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने इस मॉडल को आगे बढ़ाया और हमको एक सटीक मॉडल देने की कोशिश की। वो उसको दिखाने थे, पहले मैं आपको कुछ बड़ी अच्छी दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देख बेटा मेरा। ये प्लम पुडिंग मॉडल मैं तेरे को डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू दिखाता हूँ, देख यहाँ पर, ये तू देख रहा है, तू यहाँ पर सारे के सारे क्या है, ये प्लम पुडिंग मॉडल है किसका, एटम का। किसने दिया था? जीजे थॉमसन ने दिया था। यहाँ पर तेरे को ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर एक सेकंड रुकना जरा बेटा, पेन अपन यूज कर लेते हैं, पेन अपन यूज कर लेते हैं, ये वाली दिख रही है इससे, चल चल रही भाई, चल जा, चल गई, ठीक है। अब सुन जरा, ये तेरे को डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सब क्या है तेरे, यस ये सब तेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है बेटा तेरे, इलेक्ट्रॉन्स। और जो खोल दिख रहा है वो सब तेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल होंगे, क्या होंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल। उन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हम डिसाइड कर सकते हैं कम रखनी है ज्यादा रखनी है। मैं अगर इसको यहां कर दूंगा तो उसकी एनर्जी जो है बेटा, अगर मान लो मैं इसको यहां कर देता हूं तो इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और इसको मैं यहां पर कर दूंगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब देख जरा ध्यान सुनना, देख अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़ा सा भी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। सामने ये मैंने एटम को लिया है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये सारे क्या जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। अब ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बेटा, स्ट्रेट जा रहे हैं। अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है और थॉमसन की माने तो थॉमसन के अनुसार ये जो रेड जोन है उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कोई भी चाहे मतलब अल्फा पार्टिकल इधर उधर यस डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, ये अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से यहां पर ये प्रूफ हो गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ तो नहीं है। अगर फैला हुआ होता तो ये इन पार्टिकल को क्या करता, जाने नहीं देता, उनको रिफ्लेक्ट करके बार बार दूर दूर कर देता। बट ये स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब फैला हुआ तो नहीं है। तो ये वाला मॉडल ज्यादा चल नहीं पाया बेटा, ज्यादा चल नहीं पाया। फिर इसके बाद जो काम किया गया है, इसके बाद जो जबरदस्त तरीके से काम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है बेटा, अब ध्यान सुन, यस जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, यस जिनका नाम था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड के साथ भी उनके दो स्टूडेंट काम कर रहे थे, एक का नाम था गीगर और एक का नाम था मार्सडन, ये दोनों काम कर रहे थे। अब इन तीनों ने मिलकर एक सोचा कि एटम का जो साइज है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए ये लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का एक अरेंजमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, एंड इसको ही बोल सकते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया, ठीक है, कि एटम का जो साइज होता है, पहले हमको पता था कि एटम का जो साइज है वो 10^-10 मीटर होता है, बट इनके एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एम्प्टी ही रहता है, एटम तो बिल्कुल छोटी सी जगह पर रहता है। तो उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस नाम दिया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। बट वो न्यूक्लियस कैसे मिला हमको, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट था, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम देखने वाले हैं वो क्या है। देख अब जरा ध्यान से सुन, ध्यान सुन। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक अरेंजमेंट बनाया इन सबने मिलकर, ठीक है। क्या अरेंजमेंट बनाया कि जहां पर एक लेड का एक बॉक्स तैयार किया, इस बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्होंने लिया, बिस्मथ, रेडियम, जो भी ले सकते थे अपन, ठीक, ओके। तो मैं मान लो जहां पर मैंने एग्जांपल लिया बिस्मथ का, तो मैं बिस्मथ लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल बेटा ऐसा मटेरियल होता है जिसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टूटता रहता है, और जब वो टूटता है तो उससे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसको इसके अंदर रखा गया और उसको तोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं, उससे अपने आप क्या निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो देख ये बिस्मथ है जिसका चार्ज इतना, मतलब इसका एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक मास इतना है, ठीक है। जब ये टूटता है तो इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, दो चार्ज वाला, चार मास वाला, ठीक है। इस हीलियम को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, और इसकी एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है भाई साहब, बहुत एनर्जी वाला, इतनी एनर्जी वाला ये अल्फा पार्टिकल इन्होंने लिया।
अब जब ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे क्या करेंगे बेटा, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो वो तो सब तरफ फैल जाएंगे, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी चाहिए। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पर लेड की ब्रिक्स का यूज किया, लेड की ईंटों का यूज किया, किसका यूज किया, लेड की ईंटों का यूज किया, क्योंकि लेड जो होता है इधर जाने वाले पार्टिकल, इधर जाने वाले पार्टिकल इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया है जिससे ये जाएगा और इसका रास्ता भी स्ट्रेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका रास्ता को स्ट्रेट करने के लिए हमने इसको ऐसा बनाया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इससे जैसे पास हुआ तो हमें अल्फा पार्टिकल की एक बीम मिल जाएगी पतली सी, सीधी एरो की तरह चलने वाली, ठीक है साहब। अब इसके सामने हमने उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ये देख रहे हैं ना, अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा, बढ़िया चमक चमक जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। तो ये गोल्ड फॉइल ली, अब ये गोल्ड फॉइल को हमने पतला किया, बहुत पतला करते गए, पतला करते गए, लगभग आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस 10^-4 मीटर थिकनेस, इतना पतला कर दिया। जैसे मान लो ये आपके सामने गोल्ड है और गोल्ड हैवी मटेरियल होता है और उसको दबा दबा कर पतला किया जा सकता है, ठीक है, टूटता नहीं है जाना, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे हमने इसको पतला किया तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ से ऐसे जो बॉल जा रही होगी उसकी एक बॉल को हमने हटा दिया तो इधर का खेल खत्म हो गया, और पतला किया तो ये वाली दीवार को भी हटा दिया, ठीक है, और पतला किया तो ये वाली दीवार को भी हटा दिया। अब इससे ज़्यादा पतला हो नहीं सकता, नहीं टूट जाएगा। अब ये इतना पतला हो चुका है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और हम मानते हैं कि ये जो दीवार में हमारा एक एक एटम आ गया होगा, क्या आ गया होगा, एक एक एटम आ गया होगा, ठीक है, ओके। इतना हम पतला कर सकते थे तो इतना पतला हमने गोल्ड फॉइल यहाँ पर लिया। अब इस पर क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल को डाला गया। अब जब हम इस पर अल्फा पार्टिकल को डालेंगे तो ये इसको स्ट्राइक करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा या कहीं और मुड़ जाएगा। ये सब देखने के लिए हम लोगों ने इसके चारों तरफ एक अरेंजमेंट बनाया इस तरह से, ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट में हम लोगों ने फ्लुएंस्ड स्क्रीन बोलते हैं इसको, चमक वाली स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फेट की इस पर क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी, ओके, क्योंकि जिंक सल्फेट पर जब कोई चीज़ टकराती है तो वो काफ़ी टाइम तक चमक मारता रहता है, उस चमक को हम काउंट कर लेते हैं मशीनों के द्वारा और हमको पता चल जाता है। तो वहाँ पर हमने डिटेक्टर भी लगा के रखा हुआ है, इस डिटेक्टर को इस पर स्लाइड करा सकते हैं जिससे हमको पता चलता रहेगा कि कितने डिग्री पर ये इसका एक्चुअल पाथ है और इस एक्चुअल पाथ से ये अल्फा पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हो गया, उस डिफ्लेक्शन के एंगल को हम कुछ नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस एंगल, नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस एंगल, तो एक लाइन पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल दिखा देंगे, दूसरी लाइन पर उनका एंगल दिखा देंगे और हम एक ग्राफ बना लेंगे, उससे वो पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट गए मुड़े कितना क्या कितने डिग्री मुड़े, वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं। तो चलो, तो अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया, अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया तो इन लोगों ने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स होते हैं वो विद इन दी वन डिग्री, मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल होते हैं वो विद इन दी वन डिग्री स्ट्रेट चले जाते हैं, मतलब उनको रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जिससे वो टकरा कर वापस आ सकें, मतलब सीधे चले गए। सीधे जाने का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं तो सीधे ही जाएगा ना, उसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे थे तो जो कुछ डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वन डिग्री पर क्या हो गए, स्ट्रेट चले गए। अगर हम उसके ग्राफ को देखते हैं, अगर हम उसके ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ हमको कुछ तरह से मिलता है। देखो, एक एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शाया है और दूसरे एक्सिस पर बेटा स्कैटरिंग एंगल को दर्शाया है कि कितने कितने एंगल पर स्कैटर हुए। तो आप देखेंगे कि 0 से 1 डिग्री के बीच में ही 10^7, 10^6, 1,000,000 से ज़्यादा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, स्ट्रेट। और बहुत कम ऐसे पार्टिकल होते हैं, बहुत कम ऐसे पार्टिकल होते हैं 10 या 100 के आसपास जो अलग अलग एंगल पर क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो मतलब आप देखेंगे लगभग एक हाथ जो पार्टिकल होगा वो 180 पर क्या आता है, वापस आता है। इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने तो कंक्लूजन निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया कि मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल्स पास्ड थ्रू स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, सीधे चले जाते सारे पार्टिकल भड़बड़ाते हुए विदाउट डेविएशन, क्योंकि नो फोर्स एक्टिंग नो कोलिजन, मतलब वो किसी से टकरा ही नहीं तो कितने डिग्री पर वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए, ठीक है साहब। अ वेरी स्मॉल पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक 1 आउट ऑफ 8,000,
8,000 में से एक हाथ वापस आया होगा। अब ये सब निकाल लिया उन्होंने, अब इस कंक्लूजन से उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनके साथ जो काम करने वाला एक नौजवान स्टूडेंट था मासडन, इसे साइंस की दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट था और ये खेलता ही रहता था भाई साहब, तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ा नहीं। ए भाई इसने कहा चल मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया एक बार, दो बार, तीन बार, उसमें से एक आध पार्टिकल वापस भी आ गया होगा, तो उसने इतना मतलब उस पर नोटिस नहीं किया, बट उसने अपनी डायरी में लिख दिया। लेकिन उस समय जब ये बात रदरफोर्ड के सामने चली उस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसने बोला कि एक पार्टिकल था जो वापस आया था बस। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एक पार्टिकल भी वापस आया है, और अल्फा पार्टिकल इतना हैवी पार्टिकल होता है, और अगर वो वापस आया है टकरा कर इसी चीज़ से, तो क्यों आया? अब ये उसके पीछे चले गए और इस एक्सपेरिमेंट को दो बार, तीन बार, चार बार दोहराया गया, और उसको पता चला कि पार्टिकल वापस आता है। अगर पार्टिकल वापस आता है तो सामने, इसका मतलब क्या है, सामने एक दीवार है और अल्फा पार्टिकल उससे जाकर टकराएगा और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि एक मैंने बॉल ली, उस बॉल को सामने दीवार की तरफ फेंकूंगा मैं, तो जाहिर सी बात है कि बॉल से ज़्यादा हैवी दीवार है, अगर हैवी दीवार है तो वो उससे टकराकर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, सही कि नहीं? और अगर वो दीवार कमजोर होगी तो वो उसको तोड़कर चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि ये हमने फॉइल किसके लिए, गोल्ड के लिए है, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, 79, मतलब गोल्ड में 79 एटम्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है जी, उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, चार्ज होते हैं, तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं अगर वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस तरह से अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनकी क्या औकात की अल्फा पार्टिकल को रोक ले, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इनसे हैवी होता है तो इनको हिलाकर या मटकाकर सीधा चला जाएगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस क्यों आएगा? वापस तो तभी आ सकता है कि ये सारे के सारे 79 जो एटम है पॉजिटिव चार्ज है, 79 जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे कहाँ पर रखे हों, एक ही लोकेशन पर रखे हों, कहाँ पर रखे हों बेटा, एक ही लोकेशन, अगर एक ही लोकेशन पर रखे होंगे तो ये अल्फा पार्टिकल आएगा और ये 79 का जो भी चार्ज होगा, इसका चार्ज कितना है, दो, दो होता है, और इसका चार्ज कितना हो गया, 79 हो गया, तो 79 मिलकर इसको क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट करके भगा देंगे। तो वहां से हमको ये पता चला कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं सारे के सारे अलग अलग लोकेशन पर, पिलम पडिंग मॉडल जो जीजे थॉमसन ने दिया था उसके अनुसार अलग अलग लोकेशन पर नहीं होते बल्कि एक ही जगह पर होते हैं, ताकि जब अल्फा पार्टिकल जाए और उसको वो क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। आइए इसको एक बढ़िया डेमोस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी गोल्ड फॉइल है बेटा, इमेजिन करोगे ये आपकी क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये देखो ये गोल्ड फॉइल है, ये वाली, ये आपकी गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो और कितनी एनर्जी की निकलेंगे वो भी मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको स्विच को दबाते हैं। अब हमने स्विच को दबा दिया, ये अल्फा पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल कहाँ होना स्टार्ट हो गया, अगर ये अल्फा पार्टिकल निकलना स्टार्ट होगा तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इनके रास्ते में ये गोल्ड का एटम आ रहा है, काहे का एटम आ रहा है, गोल्ड का एटम, अगर ये गोल्ड का एटम आ रहा है तो ये इससे को ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, इसको मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको सही तरीके से, कहाँ गया कहाँ गया, अब देखिए रास्ते को देख सकते हैं आप, अब इस रास्ते से देखेंगे जरा ध्यान से, कुछ पार्टिकल सीधे जा रहे हैं लेकिन रास्ते में जब एटम आता है तो उससे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये एक गोल्ड फॉइल की सीट है जिसमें उसके 79 एटम कहाँ रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं, अगला जो एटम होगा उसमें कहाँ होगा, 79 यहाँ रखे हैं, तो ये इधर का एक्शन बनना। आप किसी भी एक एक्शन को देख सकते हैं कि एक गोल्ड में जो 79 चार्जेस हैं वो इस लोकेशन में रखे हैं, उस लोकेशन की वजह से ये देखो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और जबकि आपने ये वाला मॉडल देखा था और इसको मैंने जब चालू किया था तो इसमें अल्फा पार्टिकल कैसा जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, नहीं डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो इन्होंने बताया उसके अनुसार एटम का मॉडल नहीं हो सकता, एटम का मॉडल इस तरह से हो सकता है कि देखो यहाँ पर 79 एटम रखे हुए हैं और ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर हम ज़्यादा एनर्जी की बात करें, लो ज़्यादा एनर्जी की बात करें, तो देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से डिफ्लेक्शन को दिख रहा है, ये वापस आया, टकरा के वापस आ गया, एक हाथ टकरा के वापस भी आ रहा है अपना, देखो जरा
एक आध गलती से टकर, देखो ये टकरा के वापस आया, आया कि नहीं आया। तो इस चीज से यहां पर इमेजिन कर लिया गया, यहां पर इमेजिन कर लिया गया कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, और अलग अलग जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसके अनुसार चार्ज नहीं होता है, ठीक है भाई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज का या एटम का मॉडल कैसा था वो रदरफोर्ड ने हमको दिया। अब आइए उस मॉडल की हम बात करते हैं। थोड़ा सा पहले इसके कंक्लूजन आप समझ लीजिए, कंक्लूजन क्या निकले, देख कंक्लूजन सुन ले, पहला क्या है, पहला कंक्लूजन ये निकला कि स्पेस इन द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ठीक है, ओनली 0.14% स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री में ही सीधे निकल जाते हैं भाई साहब, ओनली 1 out of 1000 रिफ्लेक्टेड फॉर मोर देन 90 डिग्री, उनमें से 8000 में से एक आध होगा जो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है साहब। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर टुगेदर एट वन लोकेशन, कि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जितने भी हैं 79 गोल्ड के वो हर जगह फैले नहीं होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, सेंटर पर, उसको नाम दिया गया सेंटर, उस लोकेशन को नाम दिया गया सेंटर, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड, क्या बोला उसको, सेंटर को न्यूक्लियस, उसे एटम का क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस कहेंगे। सो न्यूक्लियस हैड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, तो न्यूक्लियस ही वो लोकेशन होती है जहां पर पूरे एटम का चार्ज और मास रखा होता है। देयरफोर इट हैड कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट हैवी पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैपेबिलिटी है इस पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट करने की न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट में, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट टू बी एटम 10^-14 meter, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसका साइज हमने इतना कैलकुलेट करके निकाला है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी साइज ऑफ एटम, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जा रही है और ये साइज ऑफ एटम की बात की जाए, तो एटम की साइज जो होता है वो 10^-10 meter होता है और हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10^-14 meter होता है, यानी कि उससे 10,000 times छोटा होता है आपका न्यूक्लियस, तो इतना बड़ा स्पेस जो होता है वो क्या होता है एटम का, वो खाली होता है, ठीक है, वो खाली होता है। सो इट सो वन न्यूक्लियस एम्प्टी स्पेस 10,000 times, तो एक छोटे से न्यूक्लियस के चारों 10,000 times क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला जब वो एक्सपेरिमेंट को 2-4 बार दोहरा के उनको जब समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल वापस आते हैं, अगर वापस आते हैं तो उसमें वापस लाने की प्रोबेबिलिटी तभी हो सकती है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हो, एक ही लोकेशन पर रखा हो, ठीक है बेटा। चल भाई अब आगे की बात करते हैं, अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो देख जरा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, किसकी बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है बेटा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो यहीं पर खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं होता है बल्कि एक लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस लोकेशन का नाम है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से ही अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज से हमको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा बेटा, रिपेल, तो ये रिपेल करेगा तो ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर रखा है तो इसकी दम ज़्यादा है, इसको रिपेल करेगा तो रिपेल करने से ये स्ट्रेट नहीं जा पाएगा बल्कि इससे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो ये सीधा चला जाएगा, क्योंकि आपको कूलम फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/4πε0Q²/r², ये होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पास में होगा तो ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, दूर होगा तो कम फोर्स लगेगा, तो ये दूर था इसलिए सीधा चला गया, ये पास था तो थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तेरे को, एक टर्म्स है इसमें कि ये पार्टिकल स्ट्रेट आ रहा था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, बट इसकी वजह से ये इतना एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है, कि सेंटर से ये कितना दूर था ये पार्टिकल, पी डिस्टेंस पर था, कितनी डिस्टेंस पर था सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर था, बी डिस्टेंस पर था, ओके, और ये ऐसे जाना चाहिए था और ये इतने एंगल पर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे, और ये इम्पैक्ट पैरामीटर हर पार्टिकल अलग अलग होता है, जैसे इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी बी1 है तो इसी सेंटर से इसकी बात करेंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, बी2 हो जाएगी,
इसका एंगल अलग आएगा, इसकी दूरी अलग हो जाएगी, सही है कि नहीं। इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। कभी कभी इस पर वन मार्क क्वेश्चन आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इंपैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ गिवन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को बेटा? बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली चीज की बात करते हैं। अब इसमें एक टर्म्स आती है डिस्टेंस अप्रोच। कौन सी टर्म्स आती है? डिस्टेंस अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये टर्म्स। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट क्या कहती है? देख, अब एक अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की ही डायरेक्शन का है, अभी तक तो ये आजू बाजू के थे, अब मान लो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी तो होंगे कि न्यूक्लियस की डायरेक्शन जा रहे होंगे मेरे भाई। तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की डायरेक्शन में था, अब ये अल्फा पार्टिकल अगर ये न्यूक्लियस की डायरेक्शन में जाएगा, उस सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये अगर ये डिस्टेंस जैसे ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल पास आते जाएगा, वैसे वैसे डिस्टेंस छोटी होती जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो फोर्स तो इन्फिनिट हो जाएगा भाई साहब, इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि ये इसके पास जा ही नहीं पाएगा, तो ये मुड़कर यहाँ से वापस चला जाता है। जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पर 180 डिग्री पर ये क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। तो जितनी दूरी से ये लौट कर आया है इस न्यूक्लियस के पास जाकर, जितनी दूरी से ये लौट कर आया उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। और ये हमेशा कहाँ से मेजर की जाती है? न्यूक्लियस के सेंटर से अल्फा पार्टिकल जहाँ तक आया उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। तो देख अभी इसको निकालेंगे भी हम डेरिवेशन करके। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है हमारी? डी है फॉर एन अल्फा पार्टिकल इन लाइन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल वेयर इट स्टॉप एंड रिटर्न बैक। तो ये उसके पास जाएगा, रुकेगा और फिर वापस लौट कर आ जाएगा, उसको क्या नाम दिया गया है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। अब ये डिस्टेंस ऑफ बेटा क्लोजेस्ट जो होती है वो हमारी हेल्प करती है किस चीज में? हेल्प करती है, ध्यान सुन, ये किस चीज में हेल्प करती है? तो ये हेल्प करती है कि हमारे न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। अब तेरे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए तेरा न्यूक्लियस है, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ बेटा तेरे लिए, ये कलर ले लेता हूँ, चल ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस का रेडियस मान ले, मान ले कितना है, कुछ भी मान सकते हैं अपन, मान ले 4 रेडियस है इसका, कितना रेडियस है? 4 है। अब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, क्या आया? अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल कम एनर्जी वाला था, ज़्यादा एनर्जी इसकी नहीं थी, तो इसकी इतनी औकात नहीं थी कि इसके पास जा सके, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स को अगेंस्ट उसके पास जा सके। तो हमने देखा कि ये यहाँ तक आया और यहाँ से वापस लौट गया, और ये वाला जो डिस्टेंस था इसके सेंटर से, इमेजिन कर वो तेरा 7 था, कितना था? सेंटर से यहाँ तक का, यहाँ से लौटा, ये 7 था। इसका मतलब हमने क्या समझा इससे? हमने ये समझा कि ये 7 डिस्टेंस से लौट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तक तो आया ना, ये 7 से लौट गया, तो न्यूक्लियस का साइज 7 नहीं हो सकता, उसके अंदर ही हो सकता है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब हमने ऐसा अल्फा पार्टिकल भेजा जिसकी ताकत ज़्यादा थी, तो वो गया और 6 से लौट कर आया, तो अब न्यूक्लियस का जो साइज है 6 तक तो गया है, मतलब 6 तक जगह थी इसलिए गया, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो 6 से तो बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही होगा, बहुत बढ़िया। अब हमने एक तीसरा अल्फा पार्टिकल भेजा जो 5 तक गया और उसके बाद वो लौट कर आया, इसका मतलब अब तेरा न्यूक्लियस का साइज ना तो 7 है, ना तो तेरा 6 है, ना तो 5 है, क्योंकि 5 से तो वापस ही आ गया, 5 से कम ही होगा या 5 के बराबर होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हमारी हेल्प करती है कि इस न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, क्लियर है बेटा? तो यहाँ लिखा भी है कि दिस डिस्टेंस गिव्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट को हम डेरिवेशन के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसमें वैल्यू डाल देंगे और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम टेक्निक क्या अपनाएंगे, अब जरा ध्यान सुन। ये जब अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आता है तो इसके पास क्या होता है बता?
सर इसके पास एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, चलने के कारण कौन सी एनर्जी होती है बता। चलने के कारण साहब काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ तो इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है साहब, अब जैसे 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 जिसके पास जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते 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 यहाँ पर आगे कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर एक एनर्जी खत्म हो गई तो वो कन्वर्ट होकर किसी दूसरी में बन गई होगी, तो अब ये सारी सारी काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, काय में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इतनी दूरी पर आकर दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको आता है बेटा कि अरे भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हुई, तुझे बता पहले। जहाँ तक ये पार्टिकल आया इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने इनको रिपेल किया, रिपेल करके ही तो इसकी वेलोसिटी को जीरो किया है, इतनी डिस्टेंस पर आकर ही तो उसकी वेलोसिटी को जीरो किया है मेरे भाई। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम दो फॉर्मूले लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज आप फटाफट से डेरिवेशन करते हैं, फटाफट से डेरिवेशन करते हैं, जरा ध्यान से देख जल्दी फटाफट रफ्तार में। तो ये तेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये तेरा उसकी चारों तरफ की बाउंड्री है, और ये तेरा अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल जहाँ से लौट कर जाएगा वो तेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कहलाएगा, और ये न्यूक्लियस की बाउंड्री सेंटर से इतनी दूरी पर उसको हमने क्या नाम दिया है, आर नॉट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, आर नॉट, मतलब न्यूक्लियस की रेडियस नाम दिया है। किसकी रेडियस नाम दिया है, न्यूक्लियस की रेडियस। और ये अल्फा पार्टिकल आया इस लोकेशन से ही वापस लौटा है बेटा, तो ये दूरी आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कहलाएगी, आर नॉट। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान देख। नाउ चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2e, दो चार्ज वाला। चार्ज ऑन ऑन अ स्कैटरिंग न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस से जो स्कैटर हुआ है उस पर कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव ही चार्ज होता है, तो हमने उसको e लिखा। अब जहां पर जेड भी लिखा है, ठीक है, जेड तेरे को क्या बताएगा, जेड यहां पर एटॉमिक नंबर बताएगा कि गोल्ड फॉइल में एटम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये जेड है, उस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है एटॉमिक नंबर की, ठीक है, गोल्ड फॉइल के। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का, अरे जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वही होता है, अलग नहीं होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर नॉट, आर नॉट तक गया ना, यहां से आगे तो गया ही नहीं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देख, यू बराबर के पहला पार्टिकल चार्ज, दूसरी पार्टिकल चार्ज, बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है बेटा, ठीक है। अब इस चैप्टर तक आए हो तो फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है। तो ये के आ गया, अब इस चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी है, 2e, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Zd, रख दिया। तो तेरे को क्या मिल जाएगा बता, तेरे को क्या मिल जाएगा बता, जल्दी जल्दी बता, यस ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब y कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है इसमें, तो तुम जरा ध्यान से देखो, इसमें मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अपन एक काम कर लेंगे, आर नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आर नॉट इधर आएगा, ये टू ऊपर जाएगा, और एम बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का नाम ही के अल्फा है, तो अगर हम आर नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो आर नॉट इधर आ जाएगा, और ये पूरे की जगह के अल्फा अगर हम मानते हैं तो आपका ये इतना सा फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस और अप्रोच को क्या, टू के, के क्या है, कॉन्स्टेंट, कूलम कॉन्स्टेंट बोलते उसको, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ई चार्ज स्क्वायर हो गया, और ये एनर्जी हो गई। और अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे ये वाली, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, फोर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। तो बताइए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट का फॉर्मूला क्या बना बेटा अपना, आर नॉट बराबर फोर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। अब इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है सारी वैल्यू डाल देंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चल देख 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 देख, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 to 10 to power 9, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी का हमने यूज किया, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम में हम काम करते हैं। तो आप अच्छा, मिलियन का एम का मतलब क्या होता है, मेगा, मेगा का मतलब 10 to power 6 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10 to power −19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको
5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जूल में इतनी देखने को मिलेगी, इसको रट्टा भी मार सकता है तो ठीक है। 5.5 × 10⁻³⁶ × 10⁻³⁰ जूल। अब एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है मेरे भाई, कितना होता है बेटा 79 होता है। तो चल फुर्ती दिखा रफ्तार में, ये तेरा फॉर्मूला है 2kZe², तो k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, ये 2 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई ठीक है। z तेरा 79 है, ये z की वैल्यू आ गई। चार्ज और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड डिवाइड। अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है, रख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे भाई इसका जो साइज निकल कर आता है वो कितना आता है देख लो, इसको सॉल्व कर लेना आप कैलकुलेटर से। तो ये साइज आएगा 4.13 × 10⁻¹⁴, ओके। और अगर अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं फर्मी में, तो ये 41.3 फर्मी मीटर आता है, और मीटर में बात करें तो 10⁻¹⁴ मीटर आता है, और 10⁻¹⁴ मीटर मतलब एक फर्मी, और एक फर्मी मल्टीप्लाई 1 फर्मी तो 10⁻¹⁵ मीटर होता है, 1 फर्मी आपको पता है ना इतना होता है। और इसी को अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे तो अपन फर्मी में ऐसे लिख सकते हैं, अगर भाई मीटर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो हमारा न्यूक्लियस का साइज निकला वो कितना निकला, लगभग 10⁻¹⁴ मीटर, जो कि एटम के साइज से 10,000 छोटा था, इतना छोटा, और बाकी सब पूरा एम्प्टी था, सब कुछ खाली। जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि ये बड़े से रूम में एक ये छोटी सी सुई की जो नोक है वो न्यूक्लियस है, जो एम्प्टी स्पेस है वो तेरा एटम है, इतना बड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर, किस लेवल पर, क्वांटम लेवल पर ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिखी है, कभी कभी इस पर भी सवाल आ जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर पर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोला था हमने बेटा, बी को बोला था ठीक है। तो हाँ इस वैल्यू को अच्छे से याद भी रख लेना, कभी कभी वन मार्क क्वेश्चन MCQ वगैरह आ जाता है कि डिस्टेंस एंड अप्रोच कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए ठीक है बेटा। नोट में इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है B = कूलाम कांस्टेंट होता है, जे एटॉमिक नंबर होता है, ई चार्ज होता है, और ये कितने एंगल पर वो डेविएट हुआ है, वो एंगल होता है वो कितना होता है θ/2, और डिवाइड बाय क्या होता है, यस एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके भाई, और इसकी वैल्यू रखना चाहो तो ये रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, 1 मार्क 2 का क्वेश्चन आ सकता है इस पर डायरेक्ट, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल पाएंगे ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब एक NCERT का क्वेश्चन भी है। NCERT का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि इन अ गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, इतनी एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल अगर हम लेते हैं, बिफोर इट कम्स मोमेंटरल टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो कोई खास बात नहीं है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछा गया है इसमें, तो आपको एनर्जी दी है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब 1.6 × 10⁻¹⁴ कितना होता है, माइनस का 13 जूल, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, फॉर्मूला हमको याद है, सारी वैल्यू को डालिए, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 30 फर्मी मीटर। तो याद रखना इतने एनर्जी के लिए डिस्टेंस 30 फर्मी मीटर होता है, और जबकि अभी आपने देखा था 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये डिस्टेंस कितना आया था, शायद 41 पॉइंट कुछ आया था, देख लेते हैं एक बार, 41.3 फर्मी मीटर आया था। तो अलग अलग एनर्जी के पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग आ सकता है, क्योंकि इससे ही तो डिसाइड होगा मेरे भाई कि कौन सा अल्फा पार्टिकल उसके ज़्यादा नियरेस्ट जा पाया, जो ज़्यादा नियरेस्ट जा पाएगा उसी से पता चलेगा कि एटम का एक्चुअल साइज कितना है, मतलब न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज कितना है। क्लियर है बेटा, तो थोड़ा समझ इस बात को, और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखें ना, इस पर सवाल आ जाते हैं ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन था, उसको बेच। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल किस तरह से दिया, तो उनका ये कहना था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेट, दिस कोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो एटम का जो पूरा मास होता है
वो एक कोर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक है साहब, द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10^10 कितनी होती है, -15 meter या -14 meter, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज से काफी कम होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय अ सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब इसके चार्ज तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो सुइटेबल नंबर होंगे, उनका जो भी चार्ज होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उनके चार्ज के ठीक बराबर होगा। ओके, ऑन द चार्ज न्यूक्लियस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतने ही प्रोटॉन पर चार्ज है, यानी कि उनके नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं, अनइक्वल नहीं होते। अनइक्वल हो जाएगा तो चार्ज आ जाएगा, इक्वल है तो चार्ज जीरो है। ठीक है साहब, अच्छा फोर्थ पॉइंट में क्या कहा भाई था रदरफोर्ड ने, फोर्थ पॉइंट में ये कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, वो जो एटम होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इन वेरियस ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में, जस्ट एज प्लैनेट, आप प्लैनेट को देख सकते हैं, जैसे ये हमारा सन है उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में जैसे हमारे प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग ऑर्बिट से घूमते हैं, इनका ये कहना था। द सन द सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा किसी भी चीज को सेंटर में घुमाने, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है, इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर ग्रेविटेशन के केस में बात करेंगे तो g(m₁)m₂/r² से मिलती है, और अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये वाला जो फोर्स होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो किसके बराबर आएगी, यस कूलम कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑफ वन पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो इसके बराबर आ जाती है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अच्छा तो क्या लिखा है यहाँ पर कि जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो इस तरह से उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर सोचा कि सारे पॉजिटिव सेंटर में होते हैं जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ओके, और अलग अलग ऑर्बिट में, वेरियस ऑर्बिट में, जैसे कि ये सन के चारों तरफ हैं प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं, उनके चक्कर लगाने के पीछे का रीजन उन्होंने बताया, किसी भी चीज़ को घूमने के लिए एक रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ठीक है बेटा, ये कोई खास बात नहीं है, ये आपने केमिस्ट्री में भी सीखा है और आपने यहाँ पर और अच्छे से पढ़ लिया तो थोड़ा रिवाइज भी हो गया आपका। ठीक है बेटा, चल अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये रदरफोर्ड के मॉडल से हमने पता लगा लिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, और बीच में आपका न्यूक्लियस होता है जिसका साइज एटम के साइज से 10,000 कम होता है, ये सोचा गया। अब इस एटम के साइज को मानकर हमारे रदरफोर्ड साहब ने कुछ कैलकुलेशन की और उन कैलकुलेशन के बेसिस पे बताया कि उसकी रेडियस कितनी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं उस ऑर्बिट की एनर्जी वगैरह क्या होती है, तो उसके लिए हम ये डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले। तो देख जरा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करें कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी अगर हम बात करें तो देख, ये तेरा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर जो हम एटम ले रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, एक सिंगल एटम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में जहाँ तक जितनी भी कैलकुलेशन मिलेंगी वो हाइड्रोजन एटम के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया है जिस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है ई, और इसके चारों तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर चार्ज है माइनस ई, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उसको नाम दे दिया वी, कितना मास है उसको नाम दे दिया एम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा एटम से कुछ हाइट पर है, अब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए और इसको अट्रैक्ट होकर इसके पास आगे से चिपक जाना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ चिपक जाना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं चिपक रहे हैं, डिस्टेंस पे क्यों है? तो डिस्टेंस के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा
साथ में ये घूम भी रहा है, तो घूमने के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस एटम के पास टोटल एनर्जी कितनी है उसके बारे में हम यहां पर डेरिवेशन करेंगे बेटा। तो जरा ध्यान से देख, सेंटीपीटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स कौन देता है बेटा? घूमने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स देता है। तो यानी कि सेंटीपीटल फोर्स किसके बराबर हो गया? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो गया। सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला हमको याद है, एम वी स्क्वायर अपन आर होता है बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि डिस्टेंस हमने आर माना है ना। चलो, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम कॉन्स्टेंट बट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज स्क्वायर और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है, ओके। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, एक आर से एक आर जहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये एक आर बचेगा, तो इस आर को ही निकाला इन्होंने, किसको निकाला? आर को निकाला। तो अपन देख सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आर कहाँ आ गया होगा अपना बेटा? एक आर तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो जहाँ पर तो तुम्हारा एक आर जहाँ पर आएगा तो ऊपर तो ई स्क्वायर बचेगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा और एम वी स्क्वायर साथ में इसका आ जाएगा। तो ये आर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी? रेडियस, कि ये एटम के पॉजिटिव चार्ज से ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, उसका रेडियस आ गया ये, ठीक है। यहीं से आप कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो इस बी को यहाँ ले जाइए, आर को यहाँ ले जाइए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, तो ये आपका आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नाउ इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। साफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी हमको पता है, ये है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को उठाकर यहाँ पर डाल दो बी स्क्वायर की जगह। अरे बी स्क्वायर जब जहाँ पर, अरे यार तुम बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ये है, देख जरा। अब ये बी स्क्वायर के स्थान में ये पूरा रख दे यहाँ पर, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो तेरा काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा, के बराबर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसका फॉर्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आई बात कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? यस 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 यस, आपको याद हो गया होगा, कितनी होती है बेटा? बताओ 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 कितनी होती है? ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड, चला आगे बढ़ जा। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, और एनर्जी इज अ फैक्टर, आई एम सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, तो इसकी जगह हमने ई रख दिया, इसकी जगह भी माइनस ई रख दिया, ठीक है, उसकी वजह से ये माइनस है। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, माइनस लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कितनी होती है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ? तो टोटल एनर्जी के लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो नेगेटिव है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाती है। अब मेरे भाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें कि E बराबर क्या होता है? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी में प्लस था, टोटल एनर्जी में क्या है? माइनस है। यानी कि एक एटम, जो हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उनकी टोटल एनर्जी मिलाकर उस सिस्टम की इतनी होती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होती है? इतनी। अगर बेटा नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या सोच कर रहा है? नेगेटिव साइन यहाँ पर ये सोच कर रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंडेड है और उसको घूमना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घूमना पड़ता है। अच्छा, ड्यू टू दिस नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस देन रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है साहब। अगर बेटा हम इस न्यूक्लियस को इतनी ही एनर्जी देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी है उसके पास कितनी? इतनी एनर्जी तो दे देगा,
तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जीरो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को आर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाना पड़ेगा। तो आर तो इन्फिनिट कर देगा, आर तो इन्फिनिट कर देगा, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पता है ना? तो याद रखना, वेयर आर इज इन्फिनिट देन इलेक्ट्रॉन फ्री। तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा मेरे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चल इतनी बात समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट नहीं है? आते हैं अब हम समझने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा देखो, इतना मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल बना उसमें भी डाउट शुरू हो गए। उसमें किस तरह का डाउट था, वो लिमिटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। देखो वो डाउट क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपकी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो हैं वो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पर घूम रहे हैं ये ऐसे। अब यहाँ पर ये सोचा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कल में घूमता है, तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या फिर एसिलेटेड मोशन है? तो आंसर है सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू सेंटीमीटर फोर्स लगता है तो ये घूमता है, और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो मोशन एसिलेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। तो जाने कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एसिलेटेड मोशन है। तो एसिलेटेड मोशन में हमको पता है, और ये चार्ज पार्टिकल है, और जब भी चार्ज पार्टिकल एसिलेट होता है तो वो अपने में से एक वेव जनरेट करता है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल लगातार अपने में से क्या निकालता रहेगा, ये चार्ज पार्टिकल लगातार अपने में से एक EM वेव बनाकर निकाल देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल देगा अपने में से। अगर ये अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल देगा तो इसकी खुद की एनर्जी का क्या होगा सर, कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल यहाँ नहीं घूमता, इस ऑर्बिट में घूमता तो यहाँ आ जाएगा, फिर निकालेगा तो फिर ये और पास में जाएगा, ऐसे करते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर पड़ेगा और एटम तबाह हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही थी कि जब ये ऐसे घूमता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा तो ये एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन तो दूर क्यों खड़ा रहेगा, इसके पास आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम। अब इस चीज को एक और साइंटिस्ट ने आकर भौतिकी के जगत में, फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचा के रख दी और इतना ज़बरदस्त एटॉमिक मॉडल दिया, एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताया, इनका नाम था नील्स बोर। तो नील्स बोर ने उस मॉडल को एक्सप्लेन किया, उस मॉडल को क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब वो मॉडल क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अब उन्होंने इस मॉडल को देखा रदरफोर्ड के, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स लगी या उन्होंने सोचा कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जो फील कर रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ को बोलते हैं पोस्टुलेट। तो बोर्ड ने हमको लिखित में पोस्टुलेट दिए, उनका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी, बट उन्होंने सोच लिया, भगवान ने बता दिया होगा, पता नहीं रात में कौन सा सपना देख रहा था भाई साहब, सो उसको पता चल गया कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए। और वास्तविकता में तुम ये देखोगे जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए उनमें जो भी फॉर्मूले वगैरह उन्होंने दिए विदाउट कैलकुलेशन, उन्होंने फॉर्मूला भी सोच लिया भाई साहब, और वो जो फॉर्मूला था उस चीज को देखकर बाद में लोग बड़े ही आश्चर्यजनक हो गए कि वो फॉर्मूला सही है, जबकि उनने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस इमेजिन किया और वो फॉर्मूला बता दिया। और बाद में जाके जब डी ब्रॉय आए, उनने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये प्रूव कर दिया कि हाँ भाई कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो उसकी वजह से इनको दम मिल गई और आगे जाके इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया फिजिक्स की दुनिया में, एटम का एक एग्जैक्ट साइज और उनके एनर्जी लेवल बताने के लिए। क्लियर है बेटा? तो आइए उनकी पोस्टुलेट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देख जरा ध्यान से, अब इनका क्या कहना था ध्यान सुनना, इनका ये कहना था बेटा कि एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट को नाम दिया गया स्टेबल ऑर्बिट, नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, स्टेबल ऑर्बिट। और उन्होंने बोला कि ये वाली जो ऑर्बिट है ऐसी जादू वाली ऑर्बिट है कि अगर
इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ये मैं ऐसा सोचता हूं, उसको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। उस चीज को नाम दिया उसने स्टेबल ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया बेटा? स्टेबल ऑर्बिट नाम दिया गया, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो जब तक वो इसमें घूमेगा बिना एनर्जी करते उसको घूमता रहे, मतलब बिना एनर्जी रिलीज करे उसमें घूमता रहेगा, एटम एटम में गिरने का झंझट ही खत्म कर दिया उसने। जो तुम सोच रहे हो ना वो है ही नहीं यहां पर। अच्छा साहब, ऐसी स्टेट को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम, स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम की, यानी कि इस एनर्जी लेवल में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी जो एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। ओके वेरी गुड, ये उन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया स्टेशनरी स्टेट के बारे में बताया एटम की। दूसरा पोस्टुलेट क्या है आप ध्यान से सुन, दूसरा पोस्टुलेट इनका ये कहना था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमता है, घूमने वाली चीज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ मोमेंटम होता है, तो अगर जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो ज्यादा मोमेंटम वाला हो सकता है, तो वो यहां ना घूमकर यहां घूमेगा, इससे चार गुना दूर ऊपर। अगर एक जहां पर घूम रहा है तो उससे चार गुना दूर, मतलब यहां पर जाकर घूमेगा इतनी दूर, इसके जस्ट बगल में नहीं घूमेगा। अब ये कैसे एक्सप्लेन किया उसको यहां पर दिखाया उन्होंने, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। यानी कि जो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जहां पर घूम रहा है, दूसरी ऑर्बिट यहां हो सकती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऑर्बिट के नंबर को एन बोला गया, इंटीग्रल मल्टीपल बोला गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की ऑर्बिट का नंबर है, ये ऑर्बिट का जो नंबर इंटीग्रल नंबर है वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, एच अपॉन टू पाई, तो वो इस मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट का। 2 रख देगा सॉल्व करेगा तो वो इस मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट में घूमेगा, 3 रख देगा सॉल्व करेगा तो वो और ऊपर घूमेगा। समझ में आई ना बात, कहीं भी घूम जाए ये नहीं होता, इस फॉर्मूले के अनुसार ही वो क्या करेगा, घूमेगा। तो ज्यादा मोमेंटम वाला एंगुलर मोमेंटम वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा दूर घूमेगा, और कम मोमेंटम वाला इलेक्ट्रॉन है वो कम पर घूमेगा। ठीक है भाई, ये चीज उन्होंने बताई। अच्छा अब यहां पर क्या लिखा है कि वेयर एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, यहां पर एच क्या चीज है आपका, प्लैंक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद भी होगी 6.6 इन 10 टू पावर माइनस 34 जूल इन टू सेकेंड होती है। ठीक है साहब, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं तो ये एल किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये इन्होंने बताया कि इस तरह की ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कहीं पर भी घूम जाए रदरफोर्ड के अनुसार ऐसा नहीं होता। करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट आपको क्या बताता है कि एन इलेक्ट्रॉन मे मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। अच्छा देखा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, ध्यान सुन। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके यहाँ पर एक ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट तेरी बहुत दूर है, सही है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, इसका कुछ मोमेंटम है, ज़्यादा मोमेंटम वाला ज़्यादा दूर घूमेगा। ठीक है भाई, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एक्साइट करेंगे। एक्साइट कैसे कर सकते हैं, एक्साइट करने के लिए हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, तो जहां से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अगर बेटा इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूम सकता है, उसको ही वाले ऑर्बिट में जाकर घूमना पड़ेगा, तो ये जंप करके इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है, क्योंकि इसका मोमेंटम बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी हो गई। अगर ये जहां पर पहुंच जाता है मेरे भाई, जरा जहां पर पहुंच जाता है तो जहां पर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है वो कहता है, कह रहे भाई तुम कहां से आ गए, तुम कहां से आ गए भाई, जहां तो जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। अब वापस तो जा नहीं सकता, एनर्जी लेवल बढ़ गया है और वो जगह दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा? यस, तो फिर वापस आने के लिए वो क्या करेगा कि जो अपने पास एनर्जी आई है, अपने पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, उस एनर्जी को वो क्या कर दे, रिलीज कर दे। क्या कर दे? रिलीज कर दे। तो नेचर ने उसको रिलीज करने का एक तरीका दिया है। क्या तरीका दिया है? कि जब तेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी और तू अपनी ऑर्बिट में वापस आने वाला होगा तो उस समय तू उस एनर्जी को फोटोन बनाकर निकाल सकता है। क्या बनाकर निकाल सकता है? फोटोन। और वो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू बराबर ई।
ई बराबर एच नहीं होती है। तो इतनी एनर्जी का, इतनी फ्रिक्वेंसी का वो फोटोन निकालता है, वो हमारी आंखों में आता है, हमको दिखता है कलर। फ्रिक्वेंसी कितनी वजह से होता है? कलर। हाँ, तो एनर्जी वो कब जनरेट करता है? रदरफोर्ड के अनुसार वो डाउट आ रहा था, तो उस डाउट को उसने उड़ाकर इस तरह से एक्सप्लेन किया कि एनर्जी बेटा वो तब एक्सप्लेन करता है, इमिट करता है, जब वो ट्रांजेक्शन करता है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आता है या उस ऑर्बिट से वापस अपनी पहली ऑर्बिट में आता है, तो उस दरमियान वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान सुन। ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कुछ होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कुछ होगा, तो जब ये यहां से जंप करके यहां पर गया और फिर वापस आया, यहां से जंप करके यहां पर गया फिर वापस आया, तो इसके फॉर्मूले को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है। देख, एच न्यू इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब देखना जरा यहां पर, जैसे ये डायग्राम को देख लीजिए आप, इसमें एनर्जी लेवल मैंने बनाया। ठीक है, अब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा था, ये यहां पर गया और अब इसको वापस आना है, तो ये अपने में से क्या करेगा? इतने गैप के बराबर एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? एनर्जी रिलीज कर देगा। वो एनर्जी रिलीज कर देगा जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगर मान ले इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल माइनस का 40 है, ठीक है, और इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल माइनस का 80 है, बता एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो तुम कहोगे सर जहां पर 80 लिखा है 40 लिखा है, जहां को एनर्जी लेवल ज्यादा, मैं बोला कम। ऐसा नहीं होता बेटा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी ना वो उतनी बड़ी होती है। तो ये संख्या बड़ी है और माइनस लगा है, इसका मतलब ये एनर्जी लेवल कम है। तो वो कम एनर्जी लेवल से कहाँ गया है? हाई एनर्जी लेवल में गया है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है उसकी? 80, और फिर माइनस हाई एनर्जी की लेवल कितनी है? 40। हाई एनर्जी लेवल कितना है? 40। तो तू सॉल्व करेगा इसको, कितना आएगा तेरा? तो सॉल्व करेगा तो तेरा आ जाएगा, ये माइनस का 80 है और ये प्लस का 40 हो जाएगा, तो माइनस का 40 जाएगा। यानी कि इतनी एनर्जी का ये फोटोन अपने में से क्या कर देगा? इमिट आउट कर देगा, इन दोनों एनर्जी के गैप के बराबर। उसकी एनर्जी को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मान ले इसकी एनर्जी कितनी है? 40 है। अब इसके बाद एक ऑर्बिट और है, जहां पर एक ऑर्बिट और है, उसकी एनर्जी है मान ले 30 या 20 है। कितनी है? 20 है। और इस इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी एनर्जी दे दी कि वो माइनस 30 एनर्जी आ गई उसके पास। कितनी एनर्जी आ गई? 30। अब 30 वाली ऑर्बिट नहीं है यहाँ पर, 30 वाली ऑर्बिट नहीं है। अगर 30 वाली ऑर्बिट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऑर्बिट में जंप करेगा क्या? पता जंप करेगा क्या? तो आंसर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 30 एनर्जी लेवल का कोई ऑर्बिट नहीं है, तो उसको तेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कितना था? 20 है, तो उसको इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी कि उसका एनर्जी लेवल कितना हो जाए? 20 हो जाए। बीच वाली एनर्जी वो नहीं लेगा, क्योंकि उस एनर्जी को लेने से वो कहीं पर भी जाकर रह नहीं सकता, तो वो नहीं लेगा। या तो इतनी लेगा या फिर इस ऑर्बिट के बराबर लेगा, बीच वाली एनर्जी नहीं लेगा, क्योंकि जंगल में घूमना अलाउ नहीं है। या तो इस ऑर्बिट में घूमो या फिर इसमें घूमो, बीच में एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर अपनी खुद की ऑर्बिट बनाकर नहीं घूम सकते। तो जंगल में घूमना अलाउ नहीं है, या तो इसमें घूमो या फिर इसमें घूमो। समझ में बात? चल, अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं यहां पर बता भी दिया है। क्या बताया भाई? देख इधर, ये ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? कि जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो एक्साइटेशन देंगे इसको, तो ये यहां से जंप करके इधर आ जाएगा, तो इसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अच्छा, दूसरा, जब ये एक्साइटेड स्पीड से वापस आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस समय ये अपने में से क्या करता है? ग्राउंड स्टेट में आते समय अपने में से फोटोन निकालता है। कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, और जब वापस आता है तो फोटोन रिलीज करके आ सकता है, अदरवाइज वो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया ना। समझ में बात? ये चीज़ होती है। ओके बेटा, चल बहुत बढ़िया। तो ये बोर के तीन पोस्टलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बोर के तीनों पोस्टलेट को अगर हमने समझ लिया अच्छे से, तो अब इनको समझ कर हम अगेन कैलकुलेशन करते हैं, एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए समझते हैं। देख बेटा, ध्यान दे,
एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स इन द हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम की बात करूं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो ये सेम कैलकुलेशन है जो अभी हमने की थी, वही चीज़ जहाँ पर है, जरा ध्यान सुन। सबसे पहले घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। ये कौन प्रोवाइड कराता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, यस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो ये आ गया, सही है। अच्छा, यहाँ से एक आर उड़ा दिया तो ये आ गया, तो यहाँ से आर की वैल्यू तेरी ये आ गई, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब ये जो आर है, एक ऑर्बिट के लिए आर1 हो सकता है, दूसरी ऑर्बिट के लिए R2 हो सकता है, तीसरी ऑर्बिट के लिए R3 हो सकता है। तो इसको N के मल्टीपल में हम लिखना चाहते हैं, तो इस R को सिंपली R ना लिखकर हम RN लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये RN का वैल्यू कितना आएगा वो हम निकालते हैं। फिलहाल आपको ये रेडियस समझ में आ गया। अब इसी R को मैं RN के फॉर्म में लिखूंगा आगे वा डेरिवेशन में, देख यहाँ पर देख। तो अब लगाते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो जो सेकंड पोस्टुलेट होता है वो क्वांटाइजेशन कंडीशन को बताता है, और थर्ड जो पोस्टुलेट होता है वो एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताता है, ओके। और फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, जादू वाली ऑर्बिट जिसमें खर्च नहीं देना पड़ता है, ठीक है। आइए, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम हम मैकेनिक्स में जानते थे, मैकेनिक्स में उसका फॉर्मूला था MRV। और यहाँ पर जो बोर ने हमको दिया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π, ये वाला मोमेंटम उसने दिया और इसको हम जानते थे, तो ये दोनों एंगुलर मोमेंटम है तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो L बराबर ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर सफिक्स में N क्यों लगाया, N का मतलब अलग अलग ऑर्बिट, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट होगी तो अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी और रेडियस भी उनकी अलग अलग होगी, इसलिए हमने R लगा लिया, वो N लगा लिया, इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ से RN की वैल्यू आप निकालोगे तो बताओ कितनी आएगी, ये दोनों भाई तो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो ये आ जाएगी, सही है। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये था कि नहीं। अब इस आर एन की वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देंगे, कहाँ पर पुट कर देंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हाँ आर एन की जगह यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ये आर एन की वैल्यू है ना, देखो ये वाली वैल्यू हम वहाँ से उठाकर यहाँ रख लेंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख ली बेटा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, जो भी कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है MCM कैंसिल हो जाएगा और कुछ तो नहीं कट रहा। ये VN स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये दोनों भाई साहब नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, तो ओके। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी VN बराबर 2πkZe²NH, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इनको आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये VN का जो मान है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी। तो ये लिख दिया, अब N H H, तो N² H² हो गया, 2 × 4 हो गया, π² हो गया, M है, K है, Z है ही, E² है ही, तो तेरा फॉर्मेट इस तरह का आ जाएगा। किस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा बेटा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा, देख लो सही है कि नहीं, चल बढ़िया। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है इसको तेरे को रट्टा मान लेना बेटा, इस पर सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हियर N इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर, N किसको दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर को दिखाता है, अलग अलग ऑर्बिट को, ठीक है बेटा। तो अगर हम N की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो क्या होगा, तो देखो जरा, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कॉल्ड बोर्स रेडियस, यानी कि हाइड्रोजन एटम में जो पहला वाला जो रेडियस था वो बोर ने हमको निकाल के बताया वो कितना होता है, उसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। उसके लिए क्वांटम नंबर कितना लेना है, 1 लेना है बस, और उसको एक नाम दिया गया है R0, या कई किताबों में A0 भी लिखा रहता है। जो फर्स्ट बोर रेडियस था
ये वाला, इसको आर नॉट बोले या फिर हम इसको ए नॉट बोले, इसको बोर रेडियस बोला जाता है, ठीक है, जिसमें एन की वैल्यू हम कितनी रखते हैं बेटा, 1 रखते हैं। तो आपका ये इतना बड़ा फॉर्मूला था, एन स्क्वायर इसकी जगह हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बता कितना आया, बता, सॉल्व करेंगे अब इसको, ये 1 हो गया, एच की वैल्यू हमको पता है 4 पाई, एम हमको पता है, के हमको पता है, ई हमको पता है, सॉल्व कर लिया पूरा। सॉल्व करके हमको जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर किसकी, बोर रेडियस की, वो कितनी आती है बेटा, बोर रेडियस की वैल्यू आपको आती है, यस यस यस, आर नॉट इक्वल टू 5.29 × 10⁻¹⁻ मीटर, या लगभग अगर हम बात करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है। तो ये आपका बोर रेडियस होता है, क्या होता है, बोर रेडियस, जो फर्स्ट रेडियस की, एक एटम पॉजिटिव चार्ज जहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे घूमेगा, इतनी डिस्टेंस पे घूमेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना बेटा, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराई दूंगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ओके। आगे बात करते हैं, अब हम समझते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, एक एटम के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फटाफट से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब एम बी की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो एम बी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी कहीं, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कहाँ निकाली थी बेटा अपन ने, यहाँ निकाली, देखो इसमें देखिए एम बी की वैल्यू कितनी थी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड एटोमिक नंबर था। अब इसी को उठाकर सीधा हमने कहाँ पर रख दिया, अपने इस डेरिवेशन में रख दिया, ठीक है बेटा। तो जैसे इसके स्थान पर रखेंगे तो ये आपका कन्वर्जन ये आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको याद है, पहले पार्टिकल का चार्ज और दूसरे पार्टिकल का, तो न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के चार्ज को कैसे लिखा जाता है, जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर होती है कितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और हर एक का चार्ज कितना है, तो जेड ई लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखेंगे माइनस ई। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ये आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट, ठीक है साहब, कोई खास बात नहीं है। अब दोनों को हमने आपस में इक्वेट करना है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए, ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, दोनों को सॉल्व किया, ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब जरा ध्यान सुन बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, आर एन की वैल्यू को पुट करेंगे। अब आर एन की वैल्यू बेटा किन आप लोगों ने पहले ही निकाल के रखी है, अभी हमने निकाली थी ना, ये देखो इधर ध्यान दीजिए, ये किसकी वैल्यू थी हमारी, आर एन की वैल्यू थी, ये वाली आर एन की वैल्यू थी, इस आर एन की वैल्यू को हम वहां पर पुट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, और अब हम यहाँ पर आर एन की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो आर एन की वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो ऊपर जाएगी और ये वाली क्वांटिटी नीचे आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब कैंसिलेशन वगैरह कुछ हो रहा है क्या, कुछ कैंसिलेशन वगैरह मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हो रहा है, तो बस कुछ नहीं करो, सिंपल हम लिख देंगे। देखो जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा, ये एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है, के बराबर होता है 1/4πε0, मतलब इस फॉर्मूले को इतना बड़ा अपन को याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम इसको सिंपल बना सकते हैं। तो सिंपल बना के की वैल्यू को आप यहाँ पर डालेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए बेटा, सॉल्व करके देखिए आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, इसको याद कर ले बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम ई टू की पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और इन सब की वैल्यू अगर तुम पुट कर दोगे यहां पर, इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे, एन को छोड़कर इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको और सिंपल फॉर्मेट और कैलकुलेटिव फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है, ई एन इक्वल टू माइनस 2.18 × 10⁻¹ जूल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये जूल में एनर्जी है। अगर आप इसको इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट करके आपका आ जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तेरे को अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि nth इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जी एनर्जी नेगेटिव होती है और इतनी एनर्जी दे दोगे तो आपका
क्या लिखा है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कब मिलेगा, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए आपको एन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, इन्फिनिट करनी पड़ेगी, इन्फिनिट ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है, एन की वैल्यू इन्फिनिट कर दोगे तो आर की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, यानी कि तेरे को एनर्जी लेवल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, याद कर लीजिए फॉर्मूला, एक बार सुन ले, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम इसमें जो नई चीज पढ़ने वाले हैं, एनर्जी हमने स्टडी कर ली, अब नई चीज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब किसी एटम को, एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है, तो एक्साइट करने के दरमियान इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाकर जब वापस आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, उस एनर्जी का फोटोन हमारी आंख में स्ट्राइक करता है और हमको सेंसेशन होता है, जिसको देखना कहते हैं, हम देखते हैं चीजों को। अब हमने एक चीज देखी थी कि व्हाइट लाइट जो होती है उसका हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो न्यूटन साहब ने हमको बताया था कि प्रिज्म पर जब आप व्हाइट लाइट डालोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है, तो पर्दे पर हमको 7 कलर मिलते हैं। अब इन 7 कलर को हम प्राप्त करके अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये कलर का फॉर्मेट हमको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। इसमें रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, लेकिन आपस में सब मर्ज है। कब रेड से ऑरेंज बन गया, ऑरेंज से येलो बन गया, येलो से ग्रीन बन गया, ग्रीन से ब्लू बन गया, ब्लू से इंडिगो बन गया, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम आपको तरह तरह के मिलेंगे, जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। अब एक स्पेक्ट्रम मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम को मिला और हमें इस स्पेक्ट्रम में रेड, ऑरेंज, येलो, इन सबकी वेवलेंथ पता है कि इतनी वेवलेंथ का येलो कलर होता है, इतनी वेवलेंथ का रेड कलर होता है और इस लोकेशन पर हमको ये मिलता है, ये स्पेक्ट्रम हमको पहले से पता है। अब सेम अरेंजमेंट हमने किया, अब हमने क्या किया, एक क्या कहते हैं, ग्लास ट्यूब पे हमने कोई गैस को भर लिया, सोडियम को भर लिया, हाइड्रोजन को भर लिया, जो भी आपके मन में हो वो गैस को आपने यहां पर भर दिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराकर उसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराया गया। जब आप उसको एक्साइट कराओगे तो उससे लाइट निकलेगी और लाइट निकलेगी तो आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमको क्या देखते हैं, हमको इस सोडियम का यहां पर एक स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम को इस तरह से मिलेगा कि इस तरह से स्पेक्ट्रम मिल जाएगा कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उस लोकेशन पर हमको लाइन मिलती है, एक ब्लैक लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है, सॉरी, कलर वाली लाइन मिलती है। जैसे इसमें कोई गैस भर दी आपने, सोडियम भर दी, तो सोडियम से येलो कलर निकलता है तो येलो की लोकेशन पर हमको एक येलो कलर की लाइन देखने को मिलेगी यहां पर। देखो, जब ये इस चीज को नहीं लिया था, सीधा व्हाइट लाइट डाला था, तो हमको ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। अब हमने व्हाइट लाइट को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी गैस के मटेरियल को लेकर उसको एक्साइट किया, मतलब सोडियम को वेपर बनाकर उसको एक्साइट किया, तो उससे जो लाइट निकली तो जिस लोकेशन पर येलो कलर आता था ठीक उसी लोकेशन पर हमको येलो कलर की लाइन मिलती है। किसकी लाइन मिलती है, येलो कलर की लाइन मिलती है, और कोई सी लाइन हमको वहां पर देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब सोडियम के पास क्या था, कलर होता है, येलो कलर होता है, और येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है उसी लोकेशन पर हमको कौन सी कलर की लाइन मिल जाती है, येलो कलर की लाइन मिल जाती है। अगर हम इसमें से सोडियम हटाकर किसी दूसरी मटेरियल की वेपर बनाकर उसको एक्साइट कराएं तो उसकी कोई दूसरी लाइन मिलेगी। तो ये जो कलर का जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसमें हम एग्जैक्ट देख सकते हैं कि ये येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, इस तरह के एमिशन को कहते हैं, यस, इस तरह को बोलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, एमिशन। सो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ अ एटम अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट, तो जिस मटेरियल को आप लोगे वो उसी मटेरियल की क्या करेगा, वेवलेंथ इमिट करेगा, उसको क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने वाइट लाइट ली और रास्ते में एक ट्यूब में हमने सोडियम डाल दिया, सोडियम की वेपर डाल दी या हाइड्रोजन डाल दिया, उसको ले लिया, उसको एक्साइट किया, उसको एक्साइट किया और उसके ऊपर व्हाइट लाइट को डाला, उसके ऊपर व्हाइट लाइट को डाला। तो व्हाइट लाइट को जैसे हम उसके ऊपर डालेंगे, अगर ये बीकर को नहीं रखा होता तो हमको ये पूरे कलर मिल जाते यहाँ पर, लेकिन जैसे हम व्हाइट लाइट को डालते हैं, इस बीकर में सोडियम भरा, सोडियम की वेपर है या हाइड्रोजन की जो भी एटम है,
उस पर जब हम वाइट लाइट को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमको स्क्रीन पर एक ब्लैक लाइन मिल जाती है, एक ब्लैक लाइन मिल जाती है। तो जिस रेड कलर पर वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में जहां पर हमको रेड कलर देखने को मिल रहा था, उसी रेड कलर की जगह हमको एक वहां पर क्या मिल जाती है, ब्लैक लाइन मिल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। या येलो लाइन मिल रही है तो इस मटेरियल के अंदर सोडियम है। तो इसका मतलब यह है कि जो वाइट लाइट सन से हमको आ रही है, उस वाइट लाइट के यस येलो कलर को इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वहां पर एक ब्लैक लाइन दे दी। और बाकी सब कलर तो आ ही रहे हैं, लेकिन कौन सा कलर नहीं आ रहा, येलो नहीं आ रहा। तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, कि इसने येलो कलर के फोटो को एब्जॉर्ब किया और उसकी जगह ब्लैक लाइन दे दी। कोई दूसरा मटेरियल अगर आप यहां पर भर दोगे इसमें, तो ये उसके फोटोन को एब्जॉर्ब कर देगा, बाकी सारे फोटोन को जाने देगा। तो उस लोकेशन पर जहां पर भी वो फोटोन, जैसे मान लो यहां ब्लैक लाइन आ गई और हमको ये पता है कि यहां पर ब्लैक लाइन पर ब्लू कलर आता है या ग्रीन कलर आता है, तो ग्रीन कलर की जगह क्या आ गई यहां पर, ब्लैक लाइन आ गई। तो ब्लैक लाइन का मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल के अंदर उस तरह का फोटोन था, तो उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको जाने दिया। तो बाकी सब कलर आ रहा है, लेकिन यहां पर कौन सी लाइन आ रही है, ब्लैक लाइन है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम तीन तरह के हो गए आपके, कंटिन्यूअस एक जैसा, या फिर क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें कलर दिखता है आपको, इसमें एक ट्यूब में लेकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया जाता है तो उसके जो कलर की लाइट होती है उस जगह पर कलर हमको नजर आता है स्क्रीन पर। एक तीसरी तरह का क्या बताया मैंने, एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम वाइट लाइट को एक ट्यूब में से होकर गुजारते हैं जिसमें ऑलरेडी एटम की वेपर भरी होती है, सोडियम हाइड्रोजन जो भी आपको गैस लेनी उसकी वेपर। तो वो क्या करता है, जिस कैटेगरी का होता है, जिस प्रॉपर्टी का एटम होता है, जिस कलर वो इमिट करता है, उसी कलर का वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस लोकेशन पर वो कौन सी लाइन दे देगा हमको, ब्लैक लाइन दे देगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम बता रहा है हमको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वही चीज मैंने यहां लिख दी है, इफ एटम आर एक्साइटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट इट एब्जॉर्ब द सेम कलर एंड अ ब्लैक लाइन विल अपीयर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है। ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें कलर, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट आती है, ठीक है, जब भी गैस को एक्साइटेड करोगे। और वाइट लाइट की प्रेजेंस में आप गैस को एक्साइटेड करोगे तो हमको वहां पर उस लोकेशन पर ब्लैक लाइन आएगी। ठीक है, वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम को एक बामल नाम के साइंटिस्ट ने, वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को बामल नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया और उसने इसके लिए एक सीरीज दी, इसको बामर सीरीज कहा जाता है। उन्होंने ये देखा कि वाइट लाइट के एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम में हमको एक ब्लैक लाइन मिलती है, फिर थोड़ी दूर जाके हमको एक और ब्लैक लाइन मिलती है, थोड़ी दूर जाके और ब्लैक लाइन, फिर थोड़ी दूर जाके पास पास हो जाती है और ये बहुत सारी ब्लैक लाइन मिलती जाती है। तो इन ब्लैक लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, उसको बामर नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूले के द्वारा उसकी वेवलेंथ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और उस फॉर्मूले को हम इस सीरीज के द्वारा दर्शाते हैं जिसको बामर सीरीज बोला जाता है। तो बामर सीरीज का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/λ बराबर आर। आर यहां पर एक रिडवर्क कांस्टेंट है जिन्होंने भी इस पर बहुत काम किया है और उनकी वजह से ही बहुत सारी सीरीज हमको देखने को मिली, उनकी वेवलेंथ को हम निकाल पाए। एक रिडवर्क कांस्टेंट है, अभी थोड़ी देर में इसकी डेरिवेशन और फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आर रिडवर्क कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बिना इसकी वेवलेंथ निकाल पाना इम्पॉसिबल था, तो रिडबर्ग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर इसकी जो सीरीज है वो क्या होती है, 2 का स्क्वायर -1/n स्क्वायर, यानी कि ये 2 है और 2 के बाद यहां पर क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो n की जो वैल्यू होगी वो 2 नहीं होगी, 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, मतलब एक बढ़कर होती है, एक प्लस करना पड़ता है। यहां पर जो भी नंबर आएगा इन सीरीज में उसमें हमेशा एक क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज है बेटा, ये बामर सीरीज है। ये किस लाइट के लिए दी गई है, मतलब किस स्पेक्ट्रम के लिए, ओनली विजुअल लाइट के लिए। तो विजुअल लाइट के लिए ये स्पेक्ट्रम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है, इसमें होती है एच अल्फा लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन गैस लेकर उसका बनाया इन्होंने बामर सीरीज। तो एच अल्फा इतनी वेवलेंथ, एच बीटा इतनी वेवलेंथ, एच गामा इतनी वेवलेंथ, एच डेल्टा इतनी वेवलेंथ, तो ये सारी वेवलेंथ निकाली गई है। ठीक है, ओके साहब, समझ में आ गई बात। तो जब यहां पर 3 रखोगे,
कितना रखोगे 3, और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। जब यहाँ पर 4 रखोगे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। जब यहाँ पर 5 रखोगे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। इस तरह से ये आपको वेवलेंथ प्राप्त हो जाएंगी अल्फा बीटा और गामा। इसको बामर सीरीज कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बामर ने बताया था, इसलिए उसकी के नाम पर इसको बामर सीरीज कहते हैं। और ये विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम को ही दर्शाता है। फिर बाद में और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंफ्रारेड रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन पर भी कुछ वेवलेंथ के लिए फॉर्मूले बनाए, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया चीज, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी हमको अलग अलग रीजन में विजुअल लाइट ही नहीं बल्कि अलग अलग रीजन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी हमको स्पेक्ट्रम सीरीज देखने को मिलती है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है किसका? रिडवर्क का। तो रिडवर्क ने अपना एक कॉन्स्टेंट बनाया। किस तरह से बनाया, ध्यान सुन। सबसे पहले तो बोर थ्योरी से हमने एनर्जी निकाल के रखी हुई है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अरे भाई ये वही एनर्जी का फॉर्मूला है जो अभी आपको बताया था मैंने, तेरे को दिखा देता हूँ एक बार फिर से मैं। देख इधर देख, ये लिखा है, ये वही एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देख इधर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देख। तो ये बोर से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, एनर्थ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन क्या होती है कि वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एन टू टू अ लोअर एनर्जी लेवल एन वन, हायर एनर्जी लेवल एन टू लोअर एनर्जी लेवल एन वन, हायर से वो जाता है एन वन में जाता है, हायर से कहां जाता है एन वन में जाता है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपीयर, यानी कि इनके डिफरेंस के, ये ई टू है तो ये ई वन है, मतलब इनके एनर्जी के डिफरेंस का हमको एक फोटोन मिलता है। द फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ द एमिटेड फोटोन इज गिवन बाय, उसको ये इस इक्वेशन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान सुनना, अब मैं क्या करूँगा तुम्हें वो समझना है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा वो समझना है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है एनएथ का, तो एन वन के लिए इस एनर्जी की वैल्यू रखेंगे और एन टू के लिए रखेंगे, तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ रखना है और यही फॉर्मूला हमको यहाँ रखना है, लेकिन एक बार N1 के लिए एक बार N2 के लिए। अब ये कैसे रखा मैं तेरे को अगले पेज पर दिखाता हूँ, जरा देख जरा। तो एक बार हमने वैल्यू कितनी रखी उसकी, N2, और एक बार वैल्यू कितनी रखी N1। अब तुम जरा ध्यान से फील करना, इसमें माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ पर इसका माइनस तो रह गई, तो इस नंबर को मैंने पहले रख दिया, इस नंबर को मैंने बाद में रख दिया है, और जो भी कॉमन निकल रहा था मैंने उसको कॉमन निकाल कर लिखा है पहले, ये पूरा कॉमन निकल रहा था, अंदर क्या बचेगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इस H को नीचे फेंक दिया, तो ये H स्क्वायर था तो H की पावर कितनी हो गई, Q हो गई, ये Q हो गई, ये वैसा का वैसा चल रहा है। अब यहाँ पर हमको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, देयरफॉर वेव नंबर। अब वेव नंबर को हमने न्यू बार से डिनोट किया है, विच इज द रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ का रिसिप्रोकल होता है, यानी कि वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको लिया, ठीक है, इसको लिया न्यू बार इक्वल टू 1/λ। अब लैम्डा का फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से बताओ कितना आएगा, C अपॉन न्यू आएगा, लैम्डा का फॉर्मूला सही है, देखो जरा एक मिनट ध्यान से, यस करेक्ट। अब लेकिन हमको लैम्डा नहीं चाहिए, 1/λ चाहिए, तो 1/λ के लिए क्या करेंगे, 1/λ के लिए अपन करेंगे न्यू ऊपर पहुंच जाएगा, सी नीचे जाएगा बेटा, तो तेरे को ये मिल जाएगा। अब न्यू की वैल्यू तू ऑलरेडी निकाल के रखा है, इसको यहाँ पुट कर दे, जैसे तू यहाँ पुट करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा बेटा, तेरे को मिल जाएगा ये फॉर्मेट, इसका ये इतना बड़ा ये फॉर्मेट मिल जाएगा। अब इस फॉर्मेट में ये जो चीज़ आ रही है ना, ये वाली, ये इसको ही रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, मतलब आर की ये वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। अब पाई पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, के की वैल्यू पता है, सबको रखेगा सॉल्व करेगा तो तेरे को रिडबर्ग कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, वो ये होती है, इसको तेरे रट्टा मान लेना है, क्योंकि सवालों में तो भाई इसको यूज करना है। बामा सीरीज पर क्वेश्चन आएगा तो तेरे को रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.097×10⁷ मीटर, इतना याद रख ले, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और अगर एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, अगर इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आ गया तो तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट था,
जिसको बामर सीरीज में यूज किया गया है, इस नंबर को, ओके। तब जाके हमने उसकी वेवलेंथ निकाल पाई। अब इसी रिडवा कांस्टेंट को यूज करके बहुत सारी सीरीज दी गई। बामर सीरीज कहां से स्टार्ट होती है आपकी, उसमें N2 और N3, N2 तेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल था और N3 तेरा एक्साइटेड एनर्जी लेवल था, यानी कि अब तेरा जो फोटोन है वो N3 से काय में जाएगा N2 में, या फिर N4 से काय में जाएगा N2 में, या फिर N5 से काय में जाएगा 2 में, या फिर N6 से भी काय में जाएगा 2 में, N7 से भी काय में जाएगा 2 में। अगर कहीं से भी आने वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएगा तो तेरे को कौन सी सीरीज बता रहा था, बामर सीरीज। कौन सीरीज बता रहा था, बामर। तो तेरे को कैसा, जब यहाँ से 3 से इस एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो इस गैप के बराबर तेरे को क्या मिलता है, फोटोन मिलता है। और अगर यहां से जाने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा तो इस गैप के बराबर फोटोन मिलेगा। तो जाने की ये सारे विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम तेरे को मिल रहा है, और इसमें भी अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग फ्रिक्वेंसी के मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे होंगे, कई यहां से आ रहे होंगे, कई यहां से आ रहे होंगे। तो विजुअल लाइट तो है, लेकिन उसमें भी कई वैरायटी की क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अलग अलग एनर्जी के फोटोन हो सकते हैं, ठीक है। चल अब इस बात को तुम समझ गए हो, इधर आओ। अब पहली सीरीज थी हमारी लेमन सीरीज। कौन सीरीज, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमको मिलती है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते। आपका जो वायलेट कलर होता है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है। तो वेव नंबर या वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू रिडवा कांस्टेंट और ब्रैकेट में N1 N2, ये होता है स्क्वायर होता है इनका। अब लेमन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है। तो नीचे आएगा ग्राउंड लेवल और यहां पर आएंगे एक्साइटेड स्पीड। तो अगर ये वैल्यू 1 है तो ये N2 की वैल्यू 1+ होती है, तो 1 में 1 ऐड कर दोगे तो ये एनर्जी लेवल 2 से स्टार्ट होगा, या फिर 3 से स्टार्ट होगा, या फिर 4 से स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के सेकेंड स्टेट से या थर्ड स्टेट से या फोर्थ स्टेट, किसी भी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जाता है तो आपको जो सीरीज मिलती है वो लेमन सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है बेटा, लेमन, जो किस रीजन में हमको प्राप्त होती है, यस यस ठीक समझ रहे हो, यस अल्ट्रा वायलेट में। इसके बाद अगर सेकेंड स्टेट में 3 से या 4 से या 5 से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आता है तो आपको कौन सी सीरीज मिलती है, बामर। ये विजुअल लाइट की सीरीज होती है। अब विजुअल लाइट के बाद रेड से और छोटा, मतलब कम फ्रिक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, वहां मिलती है हमको पाश्चन सीरीज, जहां पर N1 की वैल्यू तो 3 होती है लेकिन N2 की जो वैल्यू होती है वो 3+ कर दोगे तो 4 होगी या 5 होगी, ठीक है। तो जब 3 पर 4 से आने वाला इलेक्ट्रॉन या 5 से आने वाला इलेक्ट्रॉन या 6 से आने वाला इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कौन सी सीरीज में होता है, पाश्चन सीरीज में, जो आपको इंफ्रारेड में मिलती है। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज होती है हमारी, तो ब्रैकेट सीरीज का N1 की वैल्यू 4 से स्टार्ट होता है। अब 4+1 करेगा तो 5, तो 5 से आने वाला इलेक्ट्रॉन, 6 से आने वाला इलेक्ट्रॉन या 7 से आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस लेवल में एंटर करेगा 4 वाले में तो तेरे को कौन सी सीरीज मिलेगी, ब्रैकेट। इसके बाद आती है फुल्ड सीरीज, जिसका एनर्जी लेवल किससे स्टार्ट होता है, 5 से। तो N1 की वैल्यू उसमें 5 होती है तो N2 वैल्यू 1+ ही करना है, तो 6 से आने वाला इलेक्ट्रॉन, 7 से आने वाला, 8 से जो मिलेगा तेरे को वो कौन सीरीज होगी, फुल्ड सीरीज। तो बामर सीरीज के बाद जितनी भी तेरे को मिलेंगे वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगे, और बामर से पहले जो मिलेगी वो किस में मिलेगी तेरे को, यस अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगी। अब इनके सीरीज के फॉर्मूले में एक बार तेरे को चमका देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये लिखे हुए हैं। ये बामर सीरीज का फॉर्मूला भी दिखा था हमने, इसमें N2 होता है, किस रीजन मिलती है, विजुअल लाइट में। पाश्चन सीरीज में 3 होता है, इंफ्रारेड रीजन मिलती है। ब्रैकेट सीरीज में 4 होता है, इंफ्रारेड रीजन मिलती है। फोन सीरीज में 5 होता है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। समझ में आई बात, इस तरह से, ओके। ये सारी सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा साहब, आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि नील्स बोर को अवार्ड मिला था अपने काम के लिए, जो उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे उनकी वजह से हम समझ पाए कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि इसमें एक तरफ तो एनर्जी लेवल को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ तो कोई क्वांटिटी नहीं होती है, केवल एनर्जी की स्टेट दिखाने के लिए। अब हाइड्रोजन एटम की मैं अगर मैं बात करूं तो तेरे को एनर्जी का फॉर्मूला ये याद है,
इसको अगर तू वैल्यू रख के सॉल्व कर लेगा तो तेरे को ये फॉर्मूला याद है, याद है कि नहीं बेटा? ये फॉर्मूला याद है तेरे को? अब ये फॉर्मूला तेरे को याद है बहुत अच्छे से, तो अब जरा ध्यान सुन मेरे बेटा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, ग्राउंड लेवल पर एनर्जी लेवल कितना होगा, तो यहाँ पर वन रखोगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर करेगा वन ही आएगा, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल कितना होता है, इतना होता है। तो ग्राउंड लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा, इतनी। अब एन की जगह टू रख देगा, यहाँ रख के सॉल्व करेगा, याद भी कर ले क्योंकि सवाल इन पर आते हैं, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना दूर, इसके जस्ट बगल में नहीं, इससे इतनी हाइट पर, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इतनी हाइट पर होगा और इस एनर्जी लेवल का होगा। तीसरा रखोगे तो 1.51, चौथा रखोगे 0.85, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है। सबसे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर होता है, जिसकी एनर्जी आपको पूछी जाए तो बता देना 13 पॉइंट क्या होती है, 6 होती है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देंगे, कितनी एनर्जी दे देंगे, इस ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल के बराबर दे देंगे, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब तुम कहोगे कि एनर्जी बढ़कर 0 हो गई तो ये बढ़ी कहाँ? अबे बढ़ना स्टार्ट तो नेगेटिव से हुई है ना, तो नेगेटिव से बढ़ बढ़ के ही तो 0 आया ना, फिर 0 और देगा तो अलग बात, ठीक है। तो बढ़ के एनर्जी, इस केस में नेगेटिव से एनर्जी स्टार्ट होती है, तो जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो बढ़ के 0 हो जाएगी, 0 मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अब सुन जरा मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर मैं उसको इतनी एनर्जी दे दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा 0 एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, तो 0 एनर्जी लेवल पर आप देखोगे कि देखो जहाँ से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये गैप कम होता जाता है, ये गैप कम होते 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 बहुत कम हो जाता है, ये देख रहे हो आप, गैप कम हो गया और एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो जब एनर्जी 0 हो जाती है तो इस समय हमारा जो एटम होता है वो आयोनाइज हो जाता है, कि आपके एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकल कर ऐसे रीजन में आ गया, उसका उस एटम का उस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, अब वो उसको नहीं खींच सकता या उसको नहीं घुमा सकता, तो घूमने वाली ड्यूटी से वो फ्री हो गया है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एटम आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जब आप उसको इतनी एनर्जी दोगे, कितनी, 13.6। अब मैं तेरे को कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ कि जो तुमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा उसमें ब्लैक लाइन आ रही थी, अल्फा बीटा ये आ रही थी ना, एक लाइन की जगह बहुत सारी लाइन आ रही थी उसमें, तो ये कैसे आ रही थी, अब इसको जरा समझो, इसको इस तरह समझो बेटा, देख होता क्या है कि जैसे मैं बात करूं, ये कितनी एनर्जी है, माइनस का 13.6, माइनस का गैप निकालते हैं तो ये एनर्जी कितनी है, माइनस का 3.40, तो ये कितना हो गया, प्लस ही हो जाएगा, 13.6 और ये 3.40, ठीक है, ये 0 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा, 10 बचेगा, तो 10.2 हो गया, कितना हो गया, 10.2, यानी कि इस और इसके गैप की एनर्जी कितनी है, 10.2 है, कितनी है, नेगेटिव 10.2। जब तुम इतनी एनर्जी दोगे इसको, इतनी एनर्जी दोगे कैसे दोगे, एटम को लाइट गिराओगे तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, मान लो इस गैप के बराबर एनर्जी मिल जाती है, इस गैप मतलब इसमें से मैंने इसको घटा दिया बेटा, इसमें से जब मैं इसको घटा दूंगा तो इस गैप के बराबर मेरे को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अब वो एनर्जी का फोटोन जब आएगा तो जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड लेवल पर उनको वह एनर्जी मिलेगी, अब वो एनर्जी मिलेगी तो ये गैप के बराबर एनर्जी लेकर वो यहाँ से एक्साइटेड होकर इस लेवल में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब ये एनर्जी का फोटोन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमको स्पेक्ट्रम में वहाँ पर यस एक ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी। अगर एक ऐसा फोटोन आया जिसका एनर्जी लेवल इसके और इसके बीच का था तो ये एटम मतलब ये इलेक्ट्रॉन उड़कर यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब हो गया तो हमको एक और ब्लैक लाइन देखने को मिल जाती है। मान लो कि एक ऐसा फोटोन आया जिसका एनर्जी लेवल ये वाला गैप और ये वाले गैप का है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और इसमें जाकर चला जाएगा, तो ये उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ही तो जा रहा है ना, एनर्जी लेकर ही तो जा रहा है मेरे भाई, तो इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, इमिशन नहीं बोलेंगे, इमिट नहीं कर रहा है ये, एब्जॉर्ब कर रहा है, हम एनर्जी डाल फोटोन डाल रहे हैं उसको लेकर पेट भरकर ऊपर जाके बैठ रहा है, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, तो जब फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमको ब्लैक लाइन मिलती है, कौन सी लाइन मिलती है, ब्लैक लाइन मिलती है, तो इसलिए अपन को बहुत सारी लाइनें प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सारी लाइन आने के पीछे का रीजन क्या है, कि अलग अलग एनर्जी के
फोटोन आते हैं, अलग अलग एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर जा रहा है, कहीं यहाँ पर जा रहा है, तो अलग अलग लाइनें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो आपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देखा था। और अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने इसको एक्साइट किया और ये ऐसे इसमें चला गया और जहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये वापस आएगा तो ये अपने में से एनर्जी को निकालेगा, तभी तो वापस आ पाएगा। इसको बोलते हैं इमिशन। जब फोटोन डालोगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा, तो उतनी एनर्जी लेगा तो आपको ब्लैक लाइन मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी? ब्लैक। और अगर मान लो इसको तुमने एक्साइटेड किया और ये जंप करके इसमें जाता है, तो ये उतनी एनर्जी के बराबर फोटोन अपने में से क्या कर देगा? निकाल देगा। तो तेरे को उस जगह लाइट मिलेगी, उस कलर मिलेगा। तो एमिशन होता है तो कलर मिलता है, और एब्जॉर्प्शन होता है तो एक ब्लैक लाइन मिलती है। एब्जॉर्प्शन कब होता है? वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में अगर किसी ट्यूब में एक्साइटेड गैस के एटम पर वो लाइट डाली जाएगी तो आपको ब्लैक लाइन मिल जाएगी। और अगर वाइट लाइट को हटा दीजिए, एक ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करिए किसी भी गैस के, तो आपको वहां पर क्या मिलता है? कलर। तो एक्साइटेशन में फोटोन रिलीज होता है तो कलर मिलता है, और एब्जॉर्प्शन में फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो ब्लैक लाइन मिलती है। और अलग अलग इसलिए मिल रही है क्योंकि हर तरह का फोटोन आ रहा है, तो कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, इसलिए आपको बहुत सारी लाइनें मिलती चली जाती। तो ये एग्जैक्ट और प्रॉपर रीजन होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनने का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज जो हमने यहाँ पर देखी कि बोरिन की वजह से हम देख पाए कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो उनके अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं, और उनका ग्राफ इस तरह से होता है, और सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल ये होता है, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल कितना होता है? जीरो। यहाँ पर आयोनाइज्ड एटम बन जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी इस चैप्टर में अच्छे से याद रखनी है। इन्हीं पर ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जो भी आपके सिलेबस में था मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर बेटा मैंने आपको दे रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये लिखा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कर देना, बहुत मेहनत की जाती है स्लाइड बनाने में, क्लास को शूट करने में, और गला बैठा हुआ था फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश की कि आपको अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।